अभी आपको बताएंगे कि सिंध के आइंदा माली साल 2024 और 25 के बजट पर अपोजिशन जमातों ने 1236 से ज़ायद कटौती की तहरीक जमा करवा दी हैं। ज़्यादा कटौती की तहरीक एमकेएम के अराकीन असम्बली ने जमा करवाई हैं। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा जीएनएन हमीद सोमरो से। हमीद, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। जी हाँ, सिंध में जो माली साल 2024-25 का बजट पेश किया गया है उस पर बहस का सिलसिला जारी है और अब बहस जो है वो वुज़रा की तकरीर में दाखिल हो गई है। उसके बाद अपोजिशन लीडर आखिरी जो है जो सिर की, तो इस हवाले से अपोजिशन जमातों ने 1236 से जायद कटौती की तहरीक है वो जमा कराई है और ज्यादातर तहरीक एमक्यूएम अराकीन की तरफ से जमा कराई गई है और कटौती की तहरीक नए माली साल के बजट में कटौती के मुतालिक है। वजीर आला सेक्रेटरीट और वजीर आला हाउस के अखराजात में कमी का इन कटौती की तहरीक में मुतालबा किया गया है और उस पर एतराज उठाए गए हैं कि जो है वो कोई जवाब नहीं बनता कि फंड्स में इजाफा किया गया। एमक्यूएम ने कटौती की तहरीक जो है वो जमा कराई है और महकमा खजाना समेत सरकारी महकमों के जो अखराजात हैं उस कटौती की तहरीक में मुतालबा किया गया है कि अखराजात को कम किया जाए। अपोजिशन की जानिब से जो रवां साल का ज़िमनी बजट है उसकी उस पर भी कटौती की तहरीक जो है वो जमा करवानी थी लेकिन नहीं करवाई गई है। अब बजट इजलास में इख्तितामी खिताब के बाद जो है कटौती की तहरीक पेश की। हमीद सोमरो, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया।